सीखने वाले हैं कि हमारे पास कोई भी जो नया सिस्टम आता है तो नए सिस्टम के अंदर हम लोग विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं, या विंडो इंस्टॉल करने का तरीका होता है क्या होता है। सबसे पहली बात, आखिरकार हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है? जितने भी ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन में बिल्कुल जो नया काम करते हैं, या मोबाइल फ़ोन के जो न्यू टेक्नीशियन होते हैं, तो न्यू टेक्नीशियन के लिए सबसे बड़ी बात आती है कि वो अपने सिस्टम को कैसे रेडी करेगा। अगर मैं कहता हूँ, अगर आप सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको एक बात पर फोकस जरूर करना पड़ेगा कि आपको सिस्टम को रेडी करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सिस्टम को रेडी करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक सिस्टम को रेडी करना नहीं आएगा, तब आप मोबाइल फ़ोन में कभी भी सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते। क्योंकि आप समझ लीजिए, जैसे एग्जांपल सी बात आती है कि आपने अपनी दुकान खोली, अब आप दुकान खोलने का मतलब क्या होता है, वो दुकान पूरी बंद पड़ी है, टूटी फूटी पड़ी है, तो आपके ना तो कोई कस्टमर आएगा, ना तो आपका खुद जी करेगा, मन करेगा कि एक सामान किसी को आप बेच दें। आप किसी को सामान तभी बेचेंगे जब आप पूरे अपने दुकान को, शॉप को, सब कुछ अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे, है ना। आप भी कभी दुकान में जब कोई आदमी आता है, जब ताला खोलता है और उससे कहते हैं ये हमको चार्जर दे दीजिए, डाटा केबल दे दीजिए, आपसे मांगता है, तो आप उससे बोलते हो भैया 2 मिनट रुको, मैं सामान सेट कर लूँ फिर तुमको देता हूँ। वरना सामान तो सबको रखा होता है, लेकिन हमको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने उसको रेडी नहीं कर रखा है। उसी तरीके से आपके पास कोई भी फ़ोन आता है, कस्टमर कहता है कि मेरे मोबाइल फ़ोन में लॉक खोलना है, सॉफ्टवेयर डाल दीजिए, लॉक तोड़ना है, नया सॉफ्टवेयर डाल दीजिए, तो ऐसा कुछ भी काम के लिए आपके आता है, तो आप उसको तभी कर पाते हो जब आपका सिस्टम क्या होता है, रेडी होता है। जब तक सिस्टम रेडी नहीं होगा, तब तक हम लोग सॉफ्टवेयर नहीं कर पाते। तो हम लोगों को सॉफ्टवेयर का काम सीखना सीखना है, सॉफ्टवेयर को सीखने के साथ साथ हमको सिस्टम को रेडी करना भी सीखना है कि सिस्टम को तैयार कैसे करेंगे। सिस्टम को तैयार करने की जहाँ पर बात आती है, वहाँ पर सिस्टम में हमको इन सब चीज़ों को लोड करना होता है। अगर आपके पास कभी भी नया जब सिस्टम आता है, तो नए सिस्टम में सबसे पहली बात, न्यू सिस्टम के लिए आपको विंडो इंस्टॉल करना आना चाहिए। पहली चीज़, जब आपको विंडो इंस्टॉल करना आएगा, तो उसके बाद तब आपका सिस्टम ऑन होगा। कल को आपका वायरस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, विंडो चली जाएगी, तो आपका सिस्टम नहीं चालू होगा। तो विंडो इंस्टॉल करना आना चाहिए। फिर विंडो के सारे ड्राइवर इंस्टॉल करना आना चाहिए। विंडो के ड्राइवर क्या होते हैं? जैसे वाईफाई है, साउंड है, इंटरनेट का ड्राइवर है, ये सब चीज़ें हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। HDMI का ड्राइवर है, ग्राफिक ड्राइवर है, ये सब हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद आपको इसमें गूगल को लोड करना पड़ेगा। आपका तो गूगल कैसे चलेगा? गूगल चलने के लिए इसकी एप्लीकेशन आती है, जैसे क्रोम है, मोजिला है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको Winrar 7zip इंस्टॉल करना पड़ेगा। Winrar 7zip इसलिए इंस्टॉल करते हैं ताकि आपके पास सिस्टम में कोई भी इंटरनेट से जब भी फाइल डाउनलोड करते हैं, तो वो सारी फाइलें हिडन फाइलें होती हैं। अब वो हिडन फाइलें इसके अंदर जब लोड करी जाएंगी, तो लोड करने का मतलब क्या है कि वो बंद फाइलें होती हैं, जब तक ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो खुलेगा नहीं। तो हम लोग विंडोज 7 को पूरा स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो बात करते हैं विंडो का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। विंडो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहली चीज है, आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? बूटेबल पेन ड्राइव होनी चाहिए। जब आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव होगी, तभी आप इसमें विंडो को इंस्टॉल कर पाएंगे। उसके बाद पेन ड्राइव को सिस्टम पे लगा देंगे। पेन ड्राइव को क्या करेंगे? पेन ड्राइव को सिस्टम से कनेक्ट कर देंगे। जब आप पेन ड्राइव को सिस्टम से कनेक्ट कर देंगे, तो सिस्टम से कनेक्ट करने के बाद तीसरा काम आप करेंगे कि उसकी बूट की पता होनी चाहिए। आपका तो सर जी बूट की क्या होता है? बूट की का मतलब होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है, एक ऐसा बूट मोड ऑप्शन होता है कि जब हम बटन दबाते हैं, सिस्टम चालू होता है, तो एक बटन हमको क्या करना होता है, टप टप करके एक बटन को प्रेस करना होता है। इस बटन को इसलिए प्रेस करना होता है, अगर हम बटन को प्रेस नहीं करेंगे, इस बटन को हम प्रेस नहीं करेंगे, तो हमारा सिस्टम ये नहीं समझ पाता है कि हमको पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर लेना है कि हमको हार्ड डिस्क से सॉफ्टवेयर लेना है। इसके अंदर एक हार्ड डिस्क स्टोरेज मीडिया लगा होता है, जिसमें सारा सॉफ्टवेयर लोड होता है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर लोड करेंगे, तो वो सारा सॉफ्टवेयर हमारा पेन ड्राइव के अंदर होता है। तो यहाँ पर एक बूट की एक बटन होती है, उस बटन को जब दबाते हैं, तो उस बटन को प्रेस करने से हमारा मोबाइल फ़ोन में ये सिलेक्ट हो जाता है कि आपको ये वाली बटन प्रेस करने से आपका पेन ड्राइव सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अगर आपको बूट की नहीं पता है, किसी भी चीज़ का बूट की नहीं पता है, तो आप गूगल से पूछ लीजिए कि जैसे HP G4
बूट की करके सर्च कर दीजिए तो उसमें आ जाएगा। अगर उसके माध्यम से भी बूट की नहीं आता या उसके माध्यम से बूट की नहीं आ पाता, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर आप YouTube में जाइए, YouTube में डालिए HP G4 बूट की, तो उसमें वीडियो खुल जाएगा, वो बताएगा ये वाली बटन दबाओगे तो आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप बूटिंग मोड में चला जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं और सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। ये मेरे पास लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर विंडो 8 पड़ी हुई है, हमको इसमें नया विंडो इंस्टॉल करना है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहली बात क्या करेंगे, इसको जब सिस्टम को चालू कर देंगे तो कंप्यूटर ऑन होगा, जब इसमें लाइट जल जाएगा तो जैसे ही कुछ ग्राफिक आता है या कुछ लिख के आता है उसके बाद, इसके बाद तुरंत टप 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 करके इसके बूट की बटन को दबाना होता है। इसका जो बूट की बटन है वो F9 है। क्या है? F9 बूट की बटन होता है, ज़्यादातर या तो F9 होता है या तो एस्केप होता है या तो F1 होता है या तो F2 होता है या तो F11 होता है या तो F12 होता है, यानी ऊपर वाली जो बटन होती है उसी में से कोई ना कोई एक बूट की होती है। लेकिन HP का अलग होता है, लिनेवो का अलग होता है, डेल का अलग होता है, एसर का अलग होता है, सैमसंग का अलग होता है, सोनी का अलग होता है, और भी 5-10 कंपनियां हैं, सब कंपनियों का बूट की अलग अलग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब सिस्टम को देखिए चालू करेंगे, ऐसे सिस्टम को चालू करेंगे, थोड़ा सा पास में वीडियो के माध्यम से दिखाइए ताकि सबको अच्छे से दिख सके। हम क्या करेंगे, सिस्टम को चालू करेंगे, जब सिस्टम चालू हो जाएगा तो उसके बाद इसका F9 बटन को प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये आपका देखो बोला बूटिंग मोड में चला गया। जब F9 बटन प्रेस करेंगे तभी आपका बूटिंग मोड में जाएगा। इसमें लिखा था नोटबुक इंटरनल CD-ROM स्कैन डिस्क नेटवर्क, तो हमको किससे जाना है, स्कैन डिस्क से जाना है। क्या से जाना है, आपका इसका नीचे का कीबोर्ड काम करता है, ये टूटा हुआ लगता है, स्कैन डिस्क पे चले गए। अब स्कैन डिस्क पे हम लोग क्या करेंगे, इंटर करेंगे, जैसे इंटर करेंगे तो वो इसमें चला जाएगा, वो इसको सिलेक्ट करेगा, किसको सिलेक्ट करेगा, पेन ड्राइव सिलेक्ट करेगा। हमारे पास जो विंडो है ये विंडो ऐसी विंडो है कि इसमें विंडो 7 भी है और इसके साथ साथ जो ड्राइवर अलग से डालना पड़ता था वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है, तो हमको वाईफाई कुछ नहीं डालना पड़ता, वो सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूड है। तो एक बार में ही सारा सॉफ्टवेयर हमारा विंडो भी आ जाएगी, ड्राइवर भी आ जाएगा, ऐसा मोड खुल के आ जाएगा। उसके बाद आगे खुलने के लिए ऑप्शन अभी आपको क्रिएट करेगा, देखना। विंडो डालने में सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा का कितना भी समय लग सकता है, ये डिपेंड करता है आपको सिस्टम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिस्टम के ऊपर। अब आपका जो भी सारा सॉफ्टवेयर है वो पेन ड्राइव के माध्यम से उसमें हमको लोड करना पड़ेगा। और ज़्यादातर ऐसा होता है, जितने भी सारे जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करने वाले पर्सन होते हैं या रिपेयरिंग करने वाले टेक्नीशियन होते हैं, वो जैसे कुछ दिन काम करते रहते हैं, कुछ दिन वर्किंग करते रहते हैं, तो उनके सिस्टम में विंडो करप्ट हो जाती है। क्योंकि सबसे पहली बात क्या होता है, एक बात का ध्यान रखेंगे हम लोग कि हम लोग कभी भी एंटीवायरस का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसलिए नहीं करते कि एंटीवायरस हमारे लिए दुश्मन है। अगर हम लोग एंटीवायरस को चलाएंगे तो मोबाइल फ़ोन की जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन होती हैं, और जब थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन होती है तो सब उनको क्या करता है, वायरस। अब भाई आप जैसे मेडिकल स्टोर है, उन मेडिकल स्टोर में चूहा मारने की दवा रखी है, लेकिन वो जहर है। अब चूहे मारने के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे लिए जहर है कि कोई आदमी आया तुमसे कहे चूहा मारने की दवाई दे दो, ले गया और खुद ही खा के मर गया, चूहा मरे ना मरे। तो उसी तरीके से क्या है कि वो एक उसी में लिखा होता है पॉइजन, भले वो काम की चीज़ है लेकिन है वो पॉइजन। तो उसी तरीके से इसमें भी होता है कि हमारा जो वायरस एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस हर एक चीज़ को वायरस समझता है जो उसके काम की नहीं है। काम की चीज़ वो उसको भी ख़त्म कर देगा, उसको भी ख़त्म कर देगा। अब इसको थोड़ा सा लोड होने में समय लग रहा है, रुक गया हैंग। तो हमारा ऐसा ऑन हो गया, जब हमारा ऑन हो जाएगा तो ऐसे विंडो 7 का ऐसा लोगो बन जाएगा। जब लोगो बन के आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन बोलेगा, सिर्फ नेक्स्ट करना है, ऐसे
उसके बाद क्या करेंगे, स्टॉल नाउ। जैसे स्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारा इंस्टॉलेशन के लिए सिस्टम हमारा रेडी हो जाएगा। स्टार्टिंग सिस्टम, ऐसे। अब आपको यहाँ पर क्या करना, आई एक्सेप्ट, मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे फिर आगे ऑप्शन आता है कस्टमाइज का, आप कस्टम में क्लिक करेंगे, कस्टम का मतलब तो मेरे हिसाब से इंस्टॉल होगा। फिर यहाँ पर देखो डोर, आपके तीन ड्राइव बन के आ रही हैं, तो हम लोग तीनों ड्राइव है ना, तीनों ड्राइव को पहले क्या कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं, फिर से हम अच्छे से क्रिएट कर लेंगे। ओके, फिर इसको भी कर दिया हमने, डिलीट कर दिया। फॉर्मेट मारेंगे तो पूरा, हाँ, अभी डिलीट करने का मतलब होता है, डिलीट करने पे सारे जो पार्टीशन अलग अलग होते हैं सब एक साथ हो जाएंगे। जब सब एक साथ हो जाएंगे तो फिर हम इनको क्रिएट करेंगे, मतलब बनाएंगे, बनाने के बाद फिर इनको फॉर्मेट करेंगे। जैसे 465 GB का स्टोरेज टोटल बन गया, जैसे घर नहीं बनाते तो घर 100 गज का प्लाट होता है, फिर उसमें लेटरिन किचन बाथरूम सब अलग अलग बना होता है। अगर हमको अच्छे तरीके से बनाना है तो उसको फिर से तोड़ देते हैं, फिर से पूरा मॉडिफाई करते हैं, पार्टीशन बनाते हैं। आप न्यू पे जाएंगे तो न्यू पे जाए पर जैसे 276 तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्टीशन बना लेते हैं। 23 अप्लाई किया, ओके। पार्टीशन का मतलब होता है उस हार्ड डिस्क के अलग अलग पार्ट कर लेते हैं, एक ये पार्ट हो गया और दूसरा ये पार्ट हो गया, दो पार्ट हमने बना लिए। अब इसको क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने से आपका स्पेस पूरा क्लीन हो जाएगा। और फिर इसको लिया, इसको भी फॉर्मेट कर दिया, ओके कर दिया। अब देखिए, अब आपका सिस्टम में वायरस सब ख़त्म हो गए, अब सिस्टम की परफॉर्मेंस की स्पीड ऑटोमेटिक डबल हो जाएगी, क्योंकि जब हमारे सिस्टम के अंदर वेस्ट चीज़ें आ जाती हैं तो हमारा सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। देखिए, अब उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब ये विंडो की सेटअप फाइलें कॉपी होना शुरू हो गई हैं, यहाँ पर लिख क्या रहा है 0%, अभी एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, ऐसे 100 तक जाएगा, 100 तक जाएगा। देखो अभी 0 है, अभी एक हो जाने दीजिए, दो हो जाने दीजिए, एक हो गया, दिखाई दे रहा सबको, फिर दो हो जाएगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे एक एक करके जो भी हमारा सिस्टम के अंदर पूरा विंडो इसके अंदर इंस्टॉलेशन चालू हो गया है। एक परसेंट, 2% हो गया, दो, ठीक है, पूरा हो जाएगा, सारा पूरा सेटअप हो जाएगा। तो सेटअप होने के बाद लास्ट में फाइनल इंस्टॉलेशन हो जाएगा, और जब फाइनल इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो एक बार सिस्टम आपको रिबूट करने के लिए बोलेगा कि आप देखो, है ना, रिस्टार्ट करना चाहते हैं, अगर कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो अपने मन से कर देगा। आपका सिस्टम दोबारा चालू हो, जब दोबारा चालू होगा तो पेन ड्राइव को हटा लेंगे। और पेन ड्राइव कब लगाएंगे, जब आपका सिस्टम चालू हो जाएगा, जो सिस्टम नहीं तो फिर बूटिंग मोड में चला जाता है। तो जैसे ही चालू हो जाए, आगे चालू हो जाएगा, ऐसे विंडो का लोगो जैसा कुछ बन के आएगा, अब आप पेन ड्राइव को फिर लगा दीजिए। अब अगर कहते कि सर हम तभी लगा रहे थे, तो अगर तब लगा रहे थे तो फिर बोलता कि फिर से विंडो इंस्टॉल करो, क्योंकि विंडो में दो बार पार्ट इंस्टॉल होते हैं। तो पहला बार पार्ट इंस्टॉल होता है जब विंडो का सेटअप फाइल कॉपी होता है, दोबारा जब इंस्टॉल होता है कि वो सारा सेटअप फाइल जो कॉपी हो चुका है वो एक एक करके इंस्टॉल होता है। जैसे आप ड्राइवर में काम करते थे कि सॉफ्टवेयर पहले तो डाउनलोड करते थे, एक दिन एक यहाँ ये था, इसका मोबाइल फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो इसने क्या किया कि सैमसंग के ड्राइवर को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख लिया। अब कह रहा सर ये फ़ोन नहीं कनेक्ट हो रहा, फ़ोन नहीं कनेक्ट हो रहा, तो ड्राइवर को डाउनलोड करने से सिस्टम में नहीं कनेक्ट होगा, उसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा सिस्टम में। हाँ, जब सिस्टम में इंस्टॉल करोगे तभी तो होगा। तो इसमें से पहले एक बार सेटअप फाइलें कॉपी हो जाती हैं, फिर दोबारा इंस्टॉल होती हैं, जब इंस्टॉल होती हैं तब पूरा सॉफ्टवेयर चलना शुरू होता है। तो सेटअप इज स्टार्टिंग सर्विसेज, मतलब आपके सेटअप की जितनी सारी सर्विसेज हैं वो सारी स्टार्ट होने वाली हैं। फिर से देखना ऐसा इंस्टॉल, देखो आ गया इंस्टॉलेशन। अब लास्ट में लिखा है इंस्टॉलेशिंग अपडेट, क्या लिखा हुआ है, अपडेट, ये देखिए, हाँ, इंस्टॉलेशन अपडेट, मतलब सारा चीज़ इंस्टॉल हो रहा है और अपडेट हो रहा है, वेट करेंगे। अब इसमें भी आपको 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक का समय लग सकता है,
जब इस ये पूरा फाइनल हो जाएगा, सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा, फिर पेन ड्राइव को निकाल के बाहर रख दीजिए। पेन ड्राइव की जरूरत नहीं, नहीं, विंडो आपका हो गया। तो जब फर्स्ट टाइम जब सिस्टम रिस्टार्ट होता है, तो जब कंप्यूटर बंद हो जाए, जैसे कंप्यूटर बंद हो जाए, रिस्टार्ट हो, तो आप पेन ड्राइव को हटा लीजिए। पेन ड्राइव को हटा लेंगे फिर दोबारा चालू होगा। तो पेन ड्राइव को तब लगाना जब विंडो का लोगो आ जाए। क्या जाए? अगर तुम लगी रहने दोगे तो फिर वो विंडो इंस्टॉलेशन में चला जाएगा, फिर बार बार इंस्टॉल करने को बोलेगा, इंस्टॉल करने को बोलेगा, तो तुम परेशान हो जाओगे कि बार बार घुमा रहा है बार बार। ये पूरा हमारा सिस्टम हो गया। पेन ड्राइव को हटा के बाहर रख दीजिए, मतलब फिर से वो बूटिंग मोड में चला जाएगा। आप पूरा सिस्टम आपका बिल्कुल नया चालू होगा। बोलेगा कि सिस्टम का नामकरण करो, मतलब कंप्यूटर का नाम दो। जो कंप्यूटर का नाम दे दोगे उसी नाम से चलता रहेगा, ताकि हाँ पासवर्ड लगाना चाहो पासवर्ड लगा सकते हो। अब हमको टाइप सी का डाटा केबल लाओ। डाटा केबल के माध्यम से हमारे जो सॉफ्टवेयर है हमारे मोबाइल फोन में है, दो मिनट में कॉपी कर देंगे जी। और पूरा आपका सिस्टम रेडी कर देंगे ठीक। फिर आप लोग उससे सिस्टम से कनेक्ट कर करके जितने भी मैंने आप सॉफ्टवेयर आपको बताए हुए हैं, कौन से सॉफ्टवेयर बताए हुए, ये वाले, इन सारे सॉफ्टवेयर को आप क्या करेंगे? अब वो वाला नहीं होगा सर जी, इंस्टॉल विंडो इंस्टॉल विंडो ड्राइवर। विंडो ड्राइवर तो हो गया है ना? कौन सा ड्राइवर तो हो गया सर? नहीं होगा इंस्टॉल नहीं, अब मेरे पास वो लेटेस्ट पेन ड्राइव है ना, विंडो हो गई, इसमें ड्राइवर आईवा सब कुछ इसी में इंक्लूड है, इसमें आपके ऑटोमेटिक सब हो जाता है। हां ऑटोमेटिक हो जाता है। देखिए कह रहा है टाइप योर यूजर नेम, मतलब आपका नाम टाइप करिए, नाम बताइए अपना, रविंद्र कुमार। अच्छा इसका तुम्हारा कीबोर्ड भी नहीं काम करता? कीबोर्ड गड़बड़ है। देखो यहाँ पर गोले पे जाओ, जरा गोले पे यहाँ पर आ जाता है, कहीं कीबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। हाँ ये हम लोग ओके करेंगे। अच्छा हाँ टिक लेने, सही कह रहे हो, ओके करेंगे। अब आपको स्क्रीन पे कीबोर्ड खोल देगा। ये खुल गया। अब यहाँ पर टाइप करना, क्या करना है? आर ए बी आई एन डी आर ए ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट, पासवर्ड नहीं डालना, नेक्स्ट नेक्स्ट पासवर्ड भी डाल सकते थे लेकिन डाले नहीं। अब पूरा सिस्टम आपका चालू हो रहा है। बटन तो काम कर रही थी या नहीं काम कर रही? नहीं गड़बड़ है, बटन गड़बड़ है। एक तुम्हारी ये था कि बटन तो ये हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरा हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो गया है। सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद चालू होगा, चालू होने के बाद पूरा सिस्टम रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद फिर इसमें बाकी हमके और भी जैसे विंडरार हैं, मोजिला हैं, गूगल क्रोम है, वो भी हमको लोड करने हैं, क्योंकि जब वो लोड करेंगे तभी हमारा सिस्टम चालू होगा। ये हम लोग जो हम लोगों ने सीखा है किसी भी लैपटॉप में विंडो कैसे इंस्टॉल करेंगे। अब विंडो इंस्टॉल कर दिया तो उसमें से और भी जो हमको दो चार पांच सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है वो भी लोड करेंगे। अब वो लोड करने के बाद फिर हम लोग सारे ड्राइवर टूल फाइल वगैरह सब हम लोग लोड करेंगे। विंडो 7 अल्टीमेटेड प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप।
ये देखिए हमारा विंडो पूरा इंस्टॉल हो गया है। जब विंडो इंस्टॉल हो जाएगा तो इसमें माई कंप्यूटर वगैरह कोई भी आइकन अभी नहीं आ रहे, तो इसमें आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। इसमें आप यहाँ पर ऐसे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टी में आएंगे। क्लोज करेंगे। इसका तुम्हारा एक बटन शॉर्ट है, देखो है ना, इसका जी बटन का आप देखो खुला है जी। तभी जी का मतलब होता है गैजेट्स अपना खोल देता था वो। अब आप चेंज डेस्कटॉप आइकन में जाएंगे। माई कंप्यूटर है, कंट्रोल पैनल है, इसको जैसे ही आप टिक करेंगे उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई का हाँ जी साइकिल भी मिले आइए। हाँ जो जो जरूरी वो ला सकते हैं आप। देखिए आपका सिस्टम पे आ गया, ये आपका माई कंप्यूटर खुल गया, ये खुल गया, ये प्रॉपर्टी खुल गया। अब आप सिस्टम प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें 2 GB की रैम है, 64 बिट का विंडो है, ये रविंद्र नाम से कंप्यूटर बन गया है, ठीक है। अब देखिए है 2 GB की रैम है लेकिन 48 कितना 1.48, क्योंकि 500 MB तो खुद ही खा जाता है, कंप्यूटर ही खा जाता है। 2 GB के रैम में 500 तो खुद खा जाएगा। अभी आपका सिस्टम पूरा रेडी हो गया। अब हमको इसमें गूगल वूगल चलाना है, तो गूगल चलाने के लिए हमको पहली बात तो देखो वाईफाई भी चालू हो गया, तो हमको इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हमने ईटेक में क्लिक किया, कनेक्ट किया। इसमें आप बोलेगा पासवर्ड डालिए, तो पासवर्ड डालेंगे। ई पासवर्ड ऐसे लेगा नहीं, तो आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप टाइप करेंगे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। क्या टाइप करेंगे? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, वो भी नहीं आ रहा है, तो आप गूगल पर चले जाएंगे। गूगल के बाद आप एसेसरीज में चले जाएंगे। एसेसरीज में कहीं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ रहा है? कहीं देखिए लिखा हुआ आ रहा है आपको? वो देखिए वहाँ पर कीबोर्ड रखा है, उठाइए जरा। अब लोग इसमें डालेंगे ई टेक @ 123। हम लोग वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे। जब हम लोग वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे तो वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद तभी हम सारी चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लोज, इंटरनेट कनेक्ट हो गया हमारे सिस्टम में, इंटरनेट एक्सेस। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सॉफ्टवेयर लोड करना है। सॉफ्टवेयर क्या लोड करना है चलो वो भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमको गूगल क्रोम चाहिए, विनरार चाहिए, मोजिला चाहिए, उधर लगाइए इसको। ये सारा सॉफ्टवेयर हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में रखते हैं। पोर्ट चेंज करो, कनेक्ट हो गया, आ गया। अब इसके बाद हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करेंगे। मोबाइल सॉफ्टवेयर में जाएंगे। मोबाइल सॉफ्टवेयर में सबसे पहले बता फायरफॉक्स है ना, इसको ऐसे उठाएंगे और ऐसे स्क्रीन पे छोड़ देंगे। कहाँ जाना है?
ये तुम्हारी डाटा केवल ओरिजिनल नहीं है यार, टाइप सी का ओरिजिनल लाओ। दूसरे में लगाओ। इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है फिर इंटरनेट के माध्यम से जो भी सब चीज़ें होती है तुरंत हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। फिर एक करके जो भी सारा सॉफ्टवेयर होता है, सारा सॉफ्टवेयर आप जैसे मोजिला डाउनलोड किए हो, फिर मोजिला हो जाएगा, फिर इसे क्रोम कर लो, विनरार कर लेंगे, जो भी सारा सॉफ्टवेयर है सारे सॉफ्टवेयर को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। जब मोजिला इंस्टॉल हो जाएगा तो मोजिला इंस्टॉल होने का मतलब होता है आपको गूगल मिल जाएगा, तो जो भी चीज़ है आप गूगल से डाउनलोड करना चाहें सारे सॉफ्टवेयर को गूगल के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल नहीं होता, गूगल एक फंक्शन है और ये मोजिला के माध्यम से गूगल खुलता है। देखो आप मोजिला खोलेंगे गूगल खुल जाएगा। मोजिला हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ये कंप्यूटर के अंदर का डिफ़ॉल्ट होता है ऑलरेडी कि आप यहाँ से कर सकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ से डाउनलोड किया है। अब यहाँ से अगर आप क्रोम डाउनलोड करना चाहते हैं, मोजिला क्रोम हो जाएगा, क्रोम अब क्रोम यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। हाँ। क्रोम डाउनलोड